हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में देख रहे थे हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था की समझ, जो हमारी बुक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा कम्प्लीट हो चुका था। हम उसके प्रश्न उत्तरों को कर रहे हैं, क्लियर है? औसत का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्या उसकी सीमाएं हैं, ये क्वेश्चन हमने अंतिम किया था। आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। किसी का कोई भी, अगर आपका डाउट है, किसी का कोई भी अब क्वेरी है, तो आप बच्चों मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, क्या किसी कोई आप क्वेरी है, कोई प्रश्न है? नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जब हम लोग अंतिम पढ़े थे तो हम प्रश्न कर रहे थे औसत का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, ये वो आपका प्रश्न था, इसको हमने कर लिया था और इसको हमने पूरा जो था इसका जो आंसर था वो आपका कर चुके थे और उसको हम लोग पूरा आपका देख चुके थे। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोगों को इसमें आगे बढ़ना है और हम लोगों को क्या करना है, इसमें आगे देखना है। क्लियर है? प्रश्न हमारे सामने ये है बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न जो मैंने आपको बताया था। देखिए, आप लोग अपनी बुक में देखेगा सबसे पहले प्रश्न, सभी प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास हरियाणा से ऊंचा है, ठीक है? क्या है, मैंने क्या कहा बच्चों? प्रति व्यक्ति आय कम होने के बाद भी केरल का मानव विकास हरियाणा से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है। राज्यों की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? चर्चा कीजिए। हम लोग उसको देख रहे थे। तो प्रश्न आप लोगों ने देख लिया अपनी बुक में कि नहीं? अगर प्रश्न आप लोगों ने अपनी बुक में देख लिया तो एक बार हाथ खड़ा कीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको बोर्ड पर लिखता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, मैं आपका प्रश्न लिख देता हूं क्योंकि आप लोग बुक में देख नहीं रहे हैं और मैंने बुक को ओपन नहीं किया है। यहां पर देखिए, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं? चर्चा कीजिए।
क्या करना है, चर्चा कीजिए। आप सबसे पहले प्रश्न को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे प्रश्न लिखना चाहे लिख सकते हैं, अपनी बुक में गोल करना चाहे गोल कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहे अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर है? चलिए उत्तर की तरफ हम लोग आपका बढ़ चलते हैं, और इसका जो उत्तर है उसको हम लोग आपका देखते हैं कि क्या क्रम है इसका। देखिए उत्तर में ध्यान दीजिए, केरल प्रति व्यक्ति व्यक्ति कम आय के साथ हरियाणा से बेहतर से बेहतर मानव विकास क्रम में है हालांकि यह कहना गलत होगा कि प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड नहीं है। देखिए ये क्या कह रहे थे, यहां प्रश्न को ध्यान दीजिए, ये कह रहे थे कि प्रति व्यक्ति उपयोगी एक बिल्कुल नहीं है, एक प्रति व्यक्ति है जो एक उपयोगी मापदंड नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं इसकी आपकी चर्चा में, कि ये कहना गलत होगा। ठीक है, अब देखिए प्रति व्यक्ति आय निश्चित रूप से एक मात्र मापदंड नहीं है और इसकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह बिल्कुल उपयोगी नहीं है। क्या नहीं है? कि बिल्कुल उपयोगी नहीं है। ठीक है, नहीं है कि बिल्कुल उपयोगी नहीं है। इसको लिखे फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया आप लोगों ने? लिखा बच्चों? फिर आगे बढ़ेंगे।
जल्दी जल्दी कर लीजिए, जिन बच्चों को छूट गया है। चलिए आगे देखते हैं। इस औसत की कमी का मुकाबला करने के लिए मानव विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। मानव विकास सूचकांक तुलना के लिए विकास कारकों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, उपयोगी हैं। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय, विकास कारकों में से एक है और इसे दूर नहीं किया जा सकता है। लिख लीजिए, ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ आंसर। इसको कॉपी करिए, अगर पिछला छूट गया हो तो मैं उसको भी दिखा दूंगा। अभी पहले इसको कॉपी कर लीजिए, सबसे पहले आप। करिए, कॉपी करिए इसको अच्छे से। चलिए हो गया सबका, ये नहीं हुआ हाथ तो खड़ा कीजिए एक बार, थोड़ा पीछे वाला एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ अपना ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों यानी कि मीडियम का उपयोग किया जाता है, ये देखना है। ठीक है, अब से
50 वर्ष बाद क्या संभावना संभावनाएं बन सकती हैं। आइए इस पर हम लोग आपका बात करते हैं। देखिए ऊर्जा के वर्तमान स्रोत जो भारत के लोगों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं वे हैं। सबसे पहले देखिए कौन सा उपयोग किया जा रहा है, बिजली। बिजली को देखिए, बिजली का उपयोग बहुत फैला हुआ है। कैसा है? बिजली का उपयोग बहुत फैला हुआ है। इसके सहारे तरह तरह के यंत्र काम करते हैं। ऐसे हैं काम करते हैं। लिख लिया और नीचे लिख लीजिए इसके साथ ही प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लिया इतना। चलिए फटाफट लिखिए, आगे बढ़े। देखिए अगला क्या है, दूसरे नंबर का तो है कोयला। इसके सहारे क्या मिल रही है भारत में आपको? बिजली मिल रही है। देखिए कोयले का उपयोग मुख्य रूप से ईंधन के लिए किया जाता है।
कोयले का उपयोग, कोयले का उपयोग बाष्प इंजन में और उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है। क्या होता है? कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। इसको लिखिए। अगला हेडिंग देखते हैं इसमें, इस नंबर का कच्चा तेल। चलिए इसको लिखते हैं, कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा वाहक के लिए कच्चा भाग के लिए उपयोग में लाया जाता है। ज्यादा है उपयोग में लाया जाता है। जिसे गैसोलीन जेट ईंधन डीजल और हीटिंग तेलों में जोड़ा जाता है, जोड़ों में जा सकता है। इसको यहीं समाप्त करते हैं। लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बचेगा आपका सौर ऊर्जा, वो हमको देखना है। बच्चों देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन की शेपिंग है? इस तरह से ही आपको परीक्षाओं में लिखना है, बोर्ड परीक्षाओं में। अगर आप इस तरह से लिखेंगे, हेडिंग बनाकर चीजों को लिखेंगे, साफ रहेगा तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके नंबर कम नहीं होंगे, आपके नंबर चढ़ेंगे। अब देखिए हमें कल क्या करना है, कल हमको लिखना है इसमें आपका जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसको, हमारी सरकार का बड़ा फोकस है इस पॉइंट पर कि हम लोग क्या कर सकें, सौर ऊर्जा इस पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, कल इसको कर लेंगे। फिलहाल ये लिख लीजिए। तो बच्चों मेरे मुताबिक दो तीन प्रश्न और इसके लिए आपका महत्वपूर्ण है, मैं उनको दिखा दूंगा या जिस तरह से आप लिखना चाहो। तो ये तो एक नोटबोर्ड का सहारा है, मैंने सब चीजों को आपको पीडीएफ फॉर्म में सिस्टम में सेव किया हुआ है। आप चाहें तो मैं उनको खाली आपका डिस्प्ले कर मैं आपको दिखा सकता हूं, आप उनको बहुत जल्दी आप कॉपी भी कर लेंगे और एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो कोई भी कल बच्चा जो हमारे आपके शेष प्रश्न बचे हुए हैं उसको करने के बाद कोई भी आपका सुझाव हो कि सर हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं आपको कल एक आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कि हम लोगों को प्रश्न उत्तर किस तरह से करने हैं, इस तरह से डिजिटल बोर्ड पर लिख कर करने हैं या फिर जो आपका पीडीएफ फॉर्म है उसमें करने हैं,
ताकि आप लोग जल्दी से आप लोग कॉपी कर सकें और सारे प्रश्न उत्तरों को मैं आपको अच्छे से आपको समझा सकूं। इससे क्या होगा, जो प्रश्न उत्तर में हमारा समय जाएगा वो हमारा बच जाएगा और हम लोग उसको चैप्टर को खत्म करने में हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है SST का वो आप काफ़ी बड़ा होता है और कई बुकें हैं जिनको हम लोगों को आपका कंप्लीट करना है। और टारगेट मेरा ये है कि मैं जनवरी तक और फरवरी तक अपना कोर्स ख़त्म कर लूँ, ताकि मैं आपको फरवरी में या फरवरी मिड में जो आपके मॉडल्स पेपर हैं वो सब मैं आपको कराऊँ। क्लियर है? तो अगर कुछ भी सुझाव है तो आप लोग बच्चों हमको चैट के माध्यम से लाइव जुड़कर कल जरूर दें, सभी स्कूल के सभी बच्चे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।